सो गुड मॉर्निंग टू ऑल फाउंडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? कल का जो हमारा वेबिनार था वो हमारा जो कल का वेबिनार था बहुत ही शानदार वेबिनार रहा। अगर आपने कल उसको शुरू से लेके आखिर तक अगर आपने उस वेबिनार को सही तरीके से अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी नई चीजें आपको उस वेबिनार में जरूर देखने को मिली होंगी। तो आज कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी इस कॉपी के ऊपर जो है नोट किए हैं, और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बिकॉज हर एक अपडेट अब आज की डेट में हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गई है। हमारा जो वुर्ज खलीफा पे जो लाइव शो चला था, लाइट शो चला था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है, डजंट मैटर, वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि ऑन पैसिव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको हमेशा वो वीडियो मिल जाएगी लाइव सेक्शन के अंदर जाकर के, वहां पे आप देख सकते हैं। तो वहां पे हमारा जो हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट की जो बात कही जा रही थी तो उसकी एक पूरी ट्यूटोरियल वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएगी, और वो आपको हमारे इस वेबिनार के अंदर भी दिखाई गई थी। और आज वो हिस्टोरिकल जो ट्यूटोरियल वीडियो है, आज उसी में से ही बहुत कुछ वहां पे बताया गया। एक नया ऑफिस किस तरीके से हम एक नई कंट्री के अंदर जाकर के एंटर हुए हैं, वहां पे हमने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है, उसी के बारे में आज सब कुछ बताया गया है। तो हमारा जो वुर्ज खलीफा के ऊपर जो लाइट शो चला है वो सिस्टमैटिकली वे में चला, 5 मिनट के अंदर 6 मिनट के अंदर खत्म हो गया। उसके बाद एस मुफारिज सर आते हैं, हमारे जब मीटिंग स्टार्ट होती है लगभग आधे घंटे के बाद, तो बहुत ही शानदार म्यूजिक के साथ हमारी उस मीटिंग को शुरू किया जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर हम उस वेबिनार के अंदर बने रहते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से मीटिंग को स्टार्ट किया जा रहा है, किस तरीके से। तो यहां पे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, मेरे पास भी कॉल आ रही थी, और कुछ काफी देर के बाद मैं भी जो है एंटर हो पाया था, काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी, क्योंकि एक पेज आ रहा था, रीडायरेक्ट का पेज आ रहा था। वहां पे बार बार मैं उस पर क्लिक कर रहा था, लिंक पे क्लिक कर रहा था, और लिंक पे क्लिक करके रीडायरेक्ट का पेज आ रहा था बार बार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रीडायरेक्ट का पेज क्यों आ रहा है। लेकिन रीडायरेक्ट का पेज तभी आता है जब आपको अलग से कोई पॉपअप मैसेज शो हो रहा हो, लेकिन वो शो कहां हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहां पे कभी भी अगर आपके लिए भी रीडायरेक्ट का कभी भी अगर कोई मैसेज आता है, अगर आप ओ कनेक्ट में पहली बार अगर एंटर होते हैं, तो यहां पे हमारे मोहम्मद कमाल सर ने भी इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर किया था कि आपको एक मैसेज आएगा जब भी आप डायरेक्ट अपने इकोसिस्टम के साथ, अपने ओ कनेक्ट के साथ पहली बार ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे आपको उसको, आपका जो ब्राउजर है उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने अपने मोबाइल फोन में इसको ऑन किया, लैपटॉप की जगह मोबाइल फोन में ऑन किया, तो वहां पे तुरंत ही ऊपर एक पॉपअप आ गया, और उस पॉपअप पे लिखा हुआ था ब्लॉग्ड यूजर शो। जी हाँ, पॉपअप ब्लॉग्ड ऑलवेज शो, तो उस पे लिखा हुआ था उसको अलाउ करना जरूरी होता है ताकि आपका जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है या जो भी है, वो आपको अब जब भी आप मीटिंग करेंगे तो अब आपको बार बार शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बार बार अलाउ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे इस पेज को लेकर के काफी लोगों के सामने दिक्कतें आ रही थी, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से इस मीटिंग को अटेंड भी ना कर पाया हो। अब बात करते हैं कि कंपनी की जो एक इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से जो हमें मिली है, एस मुफायसर की तरफ से मिली है, वो क्या थी। अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी जो ऑफिशियल वीडियोज हमारे ऑन पैसिव के चैनल पे जो आती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि उनके चैनल को, उनकी वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो ये हरकत या ये वाली जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज यहां पे अब कॉपीराइट या कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक, इस टाइप के बहुत सारे कॉपीराइट के एक नियम होते हैं, वो कंपनी अब लगाने जा रही है। अगर आपने पहले से अगर अपने चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, तो अब आपको आने वाले टाइम के अंदर भविष्य में उनको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक जो है आ सकती है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो आपके चैनल को भी जो है खतरा हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखें, अपना कंटेंट ही वहां पे क्रिएट करें, अपना कंटेंट ही वहां पे डालें। आपकी जो मेहनत है, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, और अपने ऑन पैसिव का किस टाइप से आप कंटेंट बना रहे हैं, आपकी मेहनत लोगों को दिखाई देनी चाहिए। ओके, उसके बाद पेमेंट की एक एग्जिट डेट जो है यहां पे बताई जाएगी। अभी ऐसा सर ने बोला था, लेकिन अभी कोई एग्जिट डेट नहीं बताई है उन्होंने इस वेबिनार के अंदर, वो हमारे बैक ऑफिस के अंदर ही बताई जाएगी। एग्जैक्ट डेट क्या होगी उसके लिए हमारा जो बैक ऑफिस है उसके लिए हमें स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, वो हमें लगातार ऑन रहना पड़ेगा,
जब जब भी आप अपने बैक ऑफिस को ऑन करें तो उसमें पॉपअप आ जाता है, पॉपअप नहीं आता है तो आपका जो अपडेट का जो सेक्शन है उसमें आपको सारी की सारी अपडेट वहां पे मिलने वाली है। तो इसके अलावा पैकेज के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया कि पैकेज की क्या प्राइजेस रहेंगे, क्योंकि 14 डेज का जो फ्री ट्रायल है वो परमानेंट नहीं है। 14 डेज का फ्री ट्रायल का मतलब यह है कि 14 डेज के बाद खत्म हो जाएगा, और जैसे जैसे 14 डेज के हमारे ये फ्री ट्रायल्स खत्म होते जाएंगे तो लोगों को पैकेज भी लेना है, तो इसके बारे में जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो सम अदर प्रोडक्ट भी हमारे आने वाले वक्त के अंदर रिलीज होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन में लगे हुए हैं। हमारा ओ कनेक्ट तो हो ही गया है, इसके अलावा हमारा ओ ट्रैकर भी है, ओ अकेडमी भी है, और ओ अकेडमी के बारे में हमारे एस ओ फारिस सर ने अभी इजिप्ट के बारे में अभी हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं, तो उसमें ओ अकेडमी के बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था। इसके अलावा इजिप्ट ऑफिस की उन्होंने एक वीडियो दिखाई जो कि बहुत शानदार ऑफिस की बहुत ही शानदार वीडियो है, और उनके ऑफिस की ये जो इजिप्ट की जो वीडियो है वहां पे किस तरीके से ऑफिस बनाया गया है, तो वो कंपनी के ऑफिस की वीडियो इजिप्ट की वीडियो कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे पड़ी हुई है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। उसको आप शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए, जितने भी हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी के लोग हैं, और अपना जहां भी आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो आप कंपनी की ही लिंक को कॉपी करके आप वहां पे शेयर कर दीजिए कि अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इस लिंक पर क्लिक करें, लेकिन अपने चैनल पर उस वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड बिल्कुल भी ना करें, इस ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें। तो इजिप्ट को सिलेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस हमारे एस मुफारिस सर ने बताए, क्योंकि जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन को वहां पे दिखाया, उस प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने बहुत कुछ वहां पे पॉइंट टू पॉइंट वहां पे समझाया कि इजिप्ट जो है जिस तरीके से आज दुबई के अंदर बहुत बड़ा माहौल है ऑन पैसिव का, बिल्कुल उसी प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर शुरुआत हो चुकी है इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर भी, तो यहां पर भी एक बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि वहां पे 111 मिलियन की जो आबादी है ये बहुत बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी आबादी है, यानी कि यहां पे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपकी किसी बात को समझ ना पाए। इसके अलावा इंटरनेट यूजर की अगर बात करें तो लगभग 75% प्लस यहां पे इंटरनेट यूजर है, 75+ आप सोचिए कि कितने होते हैं 75%, यानी कि कुछ ही लोग हैं जो जिसमें बड़े बूढ़े या बच्चे आ जाते होंगे, लेकिन 75% से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया की आधे से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लगभग 50% प्लस लोग, यानी कि 51-52% लगभग 50% से ज्यादा लोग यहां पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जो काम है वो सोशल मीडिया का ही काम है, हमारा जो काम है वो इंटरनेट का ही काम है, तो यहां पे एक बहुत अच्छा ट्रैफिक हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। अगर हम यूनिक मोबाइल यूजर की बात करें तो लगभग 59-60% यहां पे यूनिक मोबाइल यूजर हैं, जो कि मोबाइल यूजर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हर प्रकार का काम अपने मोबाइल फोन से ही यहां पे करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि हमें जो कस्टमर की जो एक डिमांड है कि कस्टमर कहां से आएंगे, तो कस्टमर इसी प्रकार से आएंगे, कस्टमर लाने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होती है कि हमें किस देश से अपने कस्टमर को लेकर आना है, तो यहां पे एक पोटेंशियल कस्टमर हमें यहां पे बहुत बड़ी तादाद में यहां पे मिलने वाले हैं। पोटेंशियल कस्टमर ही हम सब लोगों को चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर होंगे तो अच्छी तरीके से हम सब लोगों का जो बिजनेस है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, तो यहां पे पोटेंशियल कस्टमर की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा मिस्र के बारे में कुछ और भी चीजें उन्होंने बताई कि मिस्र यहां पे क्यों सबसे ज्यादा फेमस है, और हमने इसको मिस्र को क्यों चुना, और लोग बहुत सारे लोग आते भी हैं यहां पे, जैसे बहुत सारे लोग दुबई में जाते हैं। तो 150 से ज्यादा यहां पे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, 150 से ज्यादा। इसके अलावा यहां पे बहुत सारी हाईटेक सिटीज हैं जहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, जहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैजेस्टिक नाइल रिवर यानी कि नील नदी यहां पे है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी है। कायरो टावर यहां पे उपलब्ध है, जो कि एक बहुत बड़ा टावर है। इसके अलावा इजिप्शियन म्यूजियम, जी हां म्यूजियम, इजिप्शियन म्यूजियम भी यहां पे, म्यूजियम का मतलब जहां पे बहुत सारी पुरानी चीजें उसमें सजा करके रख दी जाती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं देखते हैं। उसके बाद कायरो ओपन हाउस भी यहां पे है, और आइकॉनिक पिरामिड्स के लिए तो मिस्र पूरी तरीके से पूरी दुनिया में फेमस ही है पिरामिड्स के लिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी थे जो आपने वहां पे नोट डाउन किए होंगे, तो इस तरीके से यहां पे एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन हब यहां पे बनने वाला है, एक इसको हम कहते हैं कि हाईटेक सिटी है ये पूरा का पूरा,
और ओकेडमी के बारे में एक बात और भी बताई थी कि ओकेडमी जो हमारा टूल आने वाला है तो इसमें हमारा जो मिस्र है पूरा, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 111 मिलियन से आसपास जितने भी लोग हैं यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल यूजर हैं वो ओकेडमी को मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं जो हमारा ओकेडमी लॉन्च हो जाएगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। हमारी जो मार्केटिंग टीम है, ओ मीडिया डिपार्टमेंट की टीम है, टेक्निकल टीम है, एस मुफारिज सर है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बम्ब जिसको हम कह सकते थे कि यही वो हमारा सबसे बड़ा बॉम्ब है जो आज हम सब लोगों को जो मिला है, जिस बम की एटम बम की जो बात कही जा रही थी। तो यहां पे सभी के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू ऑल प्राउड फाउंडर्स, क्योंकि अब हम एक जर्नी से जो एक अमेरिका, अमेरिका से फिर हम सिंगापुर, सिंगापुर से फिर हम इंडिया, इंडिया से दुबई, दुबई के बाद अब मिस्र के अंदर भी हम जा चुके हैं। अब यहां पे एक एक करके बहुत सारे हमारे देश हैं जहां पे हम सबके बहुत सारे ऑफिसेस होने वाले हैं। और लास्ट में एक चैट बॉक्स को ओपन भी किया था एस मुफारिज सर ने, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट वहां पे मौजूद थे, तो एकदम से बाढ़ आ गई थी वहां पे मैसेज की, बहुत सारे मैसेज एक बार में ही वहां पे शो होने लगे थे। शायद वो कोई पढ़ भी नहीं पाया होगा कि किसने क्या लिखा है वहां पे। और लास्ट में हमारे जितने पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपनी फीलिंग को जाहिर किया है कि वहां पे मिस्र का जो ऑफिस है वो उनको कैसा लगा मिस्र के ऑफिस को देख करके, और ये एक नया जो एटम बम जो गिराया है एस मुफारिज ने उसको देख करके उनको क्या फीलिंग्स आए, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी फीलिंग को जाहिर की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने नोट डाउन किए कल की रात की मीटिंग के अंदर, और आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और बहुत ही जल्दी प्राइजेस जो है हमारे पेमेंट की जो एग्जैक्ट डेट है वो भी आने वाली है और पैकेजेस की जो प्राइसेस है वो भी आने वाली है। तो ऐसी चीजों के बारे में आप लोग जो सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने बैक ऑफिस में बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।